जापानीज कंपनी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक महाराष्ट्र में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए 220 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जापानी इंजीनियरिंग कंपनी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो अपनी सहायक कंपनी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 220 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन्वर्टर और फैक्ट्री ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए देश में एक नया कारखाना स्थापित करने के लिए यह कारखाना पुणे महाराष्ट्र में स्थित होगा और 15,400 स्क्वायर मीटर्स में फैला होगा। अगले साल दिसंबर में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी के अनुसार नया कारखाना भारत में अपनी बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता का विस्तार करेगा। इसने कहा कि भारतीय बाजार सालाना लगभग 8% की दर से बढ़ रहा है, जो ऑटोमोबाइल, फूड और बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेंटर और टेक्सटाइल्स जैसे क्षेत्रों की मांग से प्रेरित है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ने 1990 के दशक के मध्य में भारत में अपना फैक्ट्री ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम व्यवसाय शुरू किया। 2012 में इसने पुणे स्थित मेसोंग ग्रुप का अधिग्रहण किया, जो भारत में इसके फैक्ट्री ऑटोमेशन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में से एक है। इसने एक स्थानीय इंजीनियरिंग टीम बनाकर और सर्विस और सपोर्ट कैपेबिलिटीज का विस्तार करके भारत में अपने व्यवसाय को मजबूत किया। कंपनी ने भारत में 2013 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के फैक्ट्री ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स लाइनअप में मोशन कंट्रोलर्स, पावर मॉनिटरिंग प्रोडक्ट्स, इन्वर्टर्स, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन्स, लेजर प्रोसेसिंग मशीन्स, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोलर्स और इंडस्ट्रियल रोबोट्स शामिल हैं। जापानीज कंपनी ने आश्वासन दिया कि नया कारखाना कंपनी के कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्यों के अनुरूप अत्यधिक कुशल एयर कंडीशनिंग सिस्टम और LED लाइटिंग का उपयोग करेगा। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट से वेस्ट वाटर का रीयूज करेगा। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन का मुख्यालय टोक्यो में है। यह इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कम्युनिकेशंस, स्पेस डेवलपमेंट और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग इक्विपमेंट में एक विश्व नेता है। COVID-19 के प्रकोप ने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की मांग को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि कंपनियां प्रक्रियाओं को ऑटोमेट चाहती हैं और भविष्य की आपात स्थितियों के कारण किसी भी बड़े डिसरप्शन से बचना चाहती है। अन्य वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनियों ने भी भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं। फरवरी में US आधारित एमेसन ने घोषणा की कि वो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए चेन्नई, तमिलनाडु में 1,45,000 स्क्वायर फीट में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलेगा।